हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में फिर से अप्रेंटिस की कुछ सीटें आई हैं जो केवल आईटीआई के बच्चों के लिए हैं। तो इनमें देखो, स्टार्ट की जो डेट दी गई है वो 15 अक्टूबर से दी गई है, जिसका लास्ट डेट दिया गया है वो 8 नवंबर दिया गया है। ये सभी फॉर्म आपके ऑफलाइन मोड से भरे जाएंगे और स्पीड पोस्ट या किसी भी पोस्ट के माध्यम से उसके लोकेशन पर आपको भेजना होगा, जिसमें आपको देखो दिख रहा होगा कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल होने हैं, और उसके बाद एज रिलैक्सेशन आपका जो गवर्नमेंट का रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको देखिए, जो आपका महीने का जो पैकेज दिखा रहा है वो आपको कितना रुपये मिलेंगे। उसके बाद सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होने हैं। आईटीआई में देखिए कौन कौन से ट्रेड इस पोस्ट को अप्लाई कर सकेंगे अप्रेंटिस के लिए, यहाँ पे पूरा डिटेल आपको दिख रहा है कि टोटल 263 सीट है, और यहाँ पर फीटर, बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, MMV, आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, RAC, उसके बाद प्लम्बर, कारपेंटर, इन सब के लिए दिया गया। और ये इसका ऑफिशियल डिटेल है, देखिए आपको दिख रहा होगा कितनी सीटें हैं। और आपको देखो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा सेंड ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन टू द HR, जो भी यानी इस लोकेशन पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके ऑफलाइन मोड पर इसी लोकेशन पे आपको सेंड करनी है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट की जो डेट है जो आपको ये आया है 15 अक्टूबर को आया है, याद रखिएगा 8 नवंबर का इसका आखिरी डेट है। 8 नवंबर तक आप इसे भर करके उसको उससे पहले ही आप उसे ऑफलाइन मोड पर भेज दें। ऑफलाइन मोड में लोकेशन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, बाकी और जो भी डिटेल्स है आप इस वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उसे आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद देखिए आपको मैं यहाँ दो पन्ने का पेज है जिसको आपको भरना है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, देखिए दिख रहा होगा इसी फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको उसके ऑफिशियल जो लोकेशन है उसको वहीं पर आपको भेजना है। तो यहाँ पर आपको देखो, आपको सारी डिटेल आपको समझ में आ रही होगी कि एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आप देखें यहाँ पर क्या, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, इस तरह से जो नंबरिंग की गई, इन नंबरिंग में आपको भरना क्या है। तो आपको सब पता होगा, पहले नंबर पे देखिए आपको यहाँ पर लिख रहा होगा, नेम लिखा है, फादर नेम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, उसके बाद एज आपकी लिखी है आपका, फिर मैरिटल स्टेटस लिखा है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, उसके बाद कैटेगरी है, नेशनलिटी है, उसके बाद फिजिकली आपका हैंडीकैप है या नहीं, तो यहाँ एस या नो के ऑप्शन पर आप इसे नो कर दीजिएगा। फिर 8वां नंबर पर देखिए आपका एड्रेस दे रहा है, तो एड्रेस में आप जो भी आपका एड्रेस होगा उस एड्रेस को आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर याद रखिएगा जो आपका ईमेल होगा, ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पता देखिए, इससे पता लिखना है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, आप किस ज़िले से हैं, किस राज्य से हैं, पिन कोड डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, और उसके बाद अपना एक अच्छा ईमेल आईडी डाल दीजिएगा जो परमानेंटली आप यूज़ करते हैं, जैसे आप बराबर चेक करते रहें, क्योंकि आपका जो भी रिजल्ट आएगा आपका मेरिट उसी पर आपको आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 12वां नंबर है, उसके बाद इस 12वां नंबर को आने के बाद फिर 13वां नंबर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितना है। उसके बाद देखिए ये पहले पेज का पूरा डिटेल है, पहले पेज के बाद फिर दूसरा पेज। अब आपको सवाल आएगा कि क्या क्या हम अटैच करके उसके साथ अपने फॉर्म के साथ भेजेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको हाई स्कूल दिया है, ITI फर्स्ट ईयर का और ITI सेकेंड ईयर की आपको जो भी रिजल्ट मार्कशीट है वही केवल आपको लगाने हैं, बाकी उसके अलावा और आपको कुछ भी सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट लगा कर भेजने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप कैटेगरी का अगर आप सर्टिफिकेट लगाना चाहें तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप लगा करके भेज सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या भरने हैं, क्या क्या नहीं भरने हैं, आपको यहाँ सब शो कर रहा होगा। देखिए कॉलेज है आपका, यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपका किस ट्रेड से हैं, स्ट्रेट से आप डाल दीजिएगा जिसे स्ट्रीम कहते हैं, अब जो यहाँ पर लिखा होगा स्पेशलाइजेशन। उसके बाद आके देखिए आपका किस टाइम तक आपने किया है, ईयर का आपने किया, मार्क कितना, परसेंटेज कितना है, ये सब जो भी ब्लॉकेज है ब्लॉकेज आप साफ सुथरा अच्छे पेनों से आप उसे भर दीजिएगा। भरने के बाद देखिए यहाँ पर जो मैं टिक मार रहा हूँ, देखिए यहाँ पर दिया पीरियड कब से, मतलब हाई स्कूल की ड्यूरेशन आपने कितने सालों में की, मतलब कहाँ से कहाँ तक की, फर्स्ट ईयर का डेट एडमिशन से लेकर फर्स्ट ईयर कितना साल में, सेकंड ईयर की डेट कहाँ से कहाँ तक आपके मार्कशीट में लिखी गई है ईयर। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आपका डेट लिख रहा है, किस डेट को आप फॉर्म फिलअप करके इसे पोस्ट कर रहे हैं। उसके बाद बगल में आपको सिग्नेचर करना है कि आप सिग्नेचर जिस तरह से आप बनाते होंगे उस तरह से आप यहाँ सिग्नेचर बना दीजिएगा। उसके बाद प्लेस, जिस प्लेस में आप फॉर्म रह करके या जिस आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर आप रहते हैं, आपका डोमिसाइल जो जगह है वहीं पर आप उसे डाल करके फिलअप हो। यही दो पन्ने के पेज हैं, और ऊपर में देखिए एक चीज़ बच गया जो फोटो
फोटो, वहाँ पर आप एक फ़ोटो लगा दीजिएगा और वही फ़ोटो याद रखिएगा थोड़ा क्लियर हो। उसको लगाने के बाद फिर इसको क्या करिएगा, इस लोकेशन पे जो मैं लोकेशन आपको पहले पिछली वीडियो में या इसी वीडियो के पीछे मैंने आपको बताया था कि आप उसी लोकेशन पर उसको भेज दीजिएगा। अगर आपको उस लोकेशन पर याद रखिएगा समय से पहले 8 तारीख है तो कम से कम 2-4 दिन पहले आप अपने जो भी है फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। भरने के बाद ये जो लोकेशन है इस लोकेशन पर आप उसे भेज दीजिएगा। बाकी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट माध्यम से आप बताइएगा, लेकिन कोशिश है आपसे कि आप इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप शेयर करेंगे तभी जाकर के याद रखिएगा कई लोगों को ये जानकारी मालूम चल जाएगी, क्योंकि ऑफलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड में फॉर्मों की जानकारी ज़्यादातर आपको मिल नहीं पाती है। तो आप इसको जितना से ज़्यादा उसे शेयर करिए ताकि और भी बच्चों तक ये अप्रेंटिस की जो वैकेंसी 236 सीट की आई है सबको मालूम चल जाए। धन्यवाद।